देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम आज की खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लोकसभा का 18वां विशेष सत्र आज से शुरू होगा। लोकसभा सत्र के शुरू होने के दो दिन यानी आज सोमवार और 25 जून मंगलवार को नव निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति ने भाजपा सांसद बृहहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है, वह नव निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर नरई नाला जबलपुर में हो रहे कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि इसमें अन्य जन प्रतिनिधि और नागरिक भी शामिल होंगे। वीरांगना रानी दुर्गावती को उनके समाधि स्थल पर आदरांजलि दी जाएगी। इस अवसर पर एक अन्य कार्यक्रम में वेटनरी कॉलेज जबलपुर में संस्कृति विभाग द्वारा रानी दुर्गावती के जीवन पर आधारित नृत्य वाटिका की प्रस्तुति की जाएगी। राजस्थान के 88.44 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि का पेंशनर्स के खातों में डीबीटी करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि का एक साथ सीधा हस्तांतरण लाभार्थियों के खाते में किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सरगर्मी तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद उत्साहित इंडिया गठबंधन के द्वारा एक बार फिर संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। इसी के तहत कांग्रेस आलाकमान ने आज दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें झारखंड कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। भारतीय सेना आज यूपी के अयोध्या में अग्निवीर भर्ती की रैली आयोजित करने जा रही है। बता दें कि ये रैली 2 जुलाई तक आयोजित की जानी है। यहाँ प्रदेश के 13 जिले के लिए रैली अयोध्या के डोगरा रेजिमेंटल सेंटर ग्राउंड पर आयोजित होगी। भर्ती रैली में पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें 1.6 किलोमीटर की दौड़, जिग जैग बैलेंस, 9 फुट डिच और बीम शामिल है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के सत्र 2023-24 के लिए 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। इसके लिए छात्रों का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं के छात्र अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। OnePlus अपने बजट Note सीरीज का नया मोबाइल OnePlus Note CE4 Lite 5G को लाने के लिए तैयार है। इस फोन को कंपनी आज लॉन्च करेगी। ऑफिशियल लॉन्च से पहले ही OnePlus ने इस फोन के कई खास फीचर्स का खुलासा कर दिया है, जिनमें बैटरी, डिस्प्ले, कैमरा और चार्जिंग शामिल है। ऋषिकेश में आज गौमुख संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। बता दें कि संवर्धन जन चेतना अभियान के तहत गौमुख संकल्प यात्रा आज सुबह गंगा पूजन कर कृष्ण कुंज आश्रम माया कुंड से रवाना होगी। वहीं इस यात्रा में कई संस्थाएं भी शामिल होंगी। राजकीय महिला बहु तकनीकी संस्थान में दाखिल प्रक्रिया जारी है। विभाग की ओर से राजकीय बहु तकनीकी संस्थानों में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए तारीख को बढ़ा दिया गया है। वहीं अब संस्थान में आज तक के लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में प्री मानसून सक्रिय हो गया है। रायपुर शहर से लगे कई इलाकों में भी बारिश हुई। वहीं अन्य जिलों में भी झमाझम बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है, जिसके चलते मौसम विभाग ने आंधी और वज्रपात को लेकर बस्तर समेत उत्तर छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया है। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए नगर डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन 1564 में भारत की वीरांगना महारानी दुर्गावती मुगलों से जंग के दौरान शहीद हुई थी। आज ही के दिन 1937 में बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1980 में भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी का निधन हुआ था। आज ही के दिन सन 2006 में फिलीपींस में मौत की सजा समाप्त हुई थी। आज ही के दिन सन 2008 में नेपाल के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने इस्तीफा दिया था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।